ऐसी समस्याएं थी जिन्हें उठाई गई कि लाइन्स में लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है, गरीबों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो कि एक्चुअली सॉल्यूशंस बन सकते हैं अगर इन न्यूज़ पे हम ध्यान दें। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो ब्लैक मनी को इरेडिकेट करने के लिए कंट्री के विद इन जो सिस्टम लागू किया है उसके अंदर जो न्यूज़ आ रही है उन पर हमारे मंत्रीगण भी जिन्होंने ये डिसीजन लिया कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। जैसे कि हाल फिलहाल की बात है, छतरपुर में एक फार्मर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं थे। एक यूपी में एक महिला थी जिनके बेटे को कैंसर था, उन्होंने 2000 रुपए के बदले उन्होंने जब पैसों की मांग की तो उन्हें 1 रुपए के सिक्के दिए गए। कर्नाटका के मिनिस्टर जिन्होंने रिसेंटली अपनी बेटी के 500 करोड़ में शादी करवाई है, जो कि फॉर्मर बीजेपी लीडर है, और उस शादी में वहाँ के अपकमिंग बीजेपी चीफ को इन्वाइट किया गया था, वो वहाँ मौजूद थे। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसे मौके पर, ऐसे मुद्दे पर जहाँ लोगों के पास 100-200 रुपए की कमी है, 500 करोड़ रुपए की शादी में हमारे अपने ही मिनिस्टर शरीक हो रहे, तो ये कहाँ तक सही है और तर्कसंगत है? क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि कैसे एक मिनिस्टर के पास 500 करोड़ रुपीज है शादी करवाने के लिए, वो भी ऐसे हालत में जब कंट्री को इकोनॉमी में इतना ज़्यादा सफर करना पड़ रहा है ड्यू टू लैक ऑफ मनी एंड नोट्स। सेकेंडली, अगर इन न्यूज़ पे हम ध्यान नहीं देंगे तब तक कोई सोल्यूशन आएगा नहीं। जिस पार्टी ने ब्लैक मनी को इरेडिकेट करने की बात कही है उनके 80% फंड्स जो है वो अनडिक्लेयर्ड सोर्सेज से हैं, और जब RTI फाइल की गई थी उनके खिलाफ उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था RTI के एम्बिट में आने के लिए। मोर ओवर 700 करोड़ रुपीज उनके लास्ट इलेक्शन में खर्च हुए थे, जिसका आज तक उस व्यय का कोई ठिकाना नहीं है कि आखिर वो आया कहाँ से था। सोल्यूशंस ये है कि न्यूज़ में आता है कि चौपर से जो है पैसों को भिजवाया हमारे प्रधानमंत्री ने, लेकिन जब आपने इस बात की डिक्लेरेशन की कि अचानक से 4 घंटों के अंदर आप 500 और 1000 के नोट्स को बैन कर रहे हैं, ठीक है माना कि वो आप पहले से नहीं कर सकते थे अनाउंसमेंट, पर अभी से जारी नोट बने रहते, लेकिन क्या उसकी तैयारी की जा सकती थी? क्या ATMs में कैश रह सकते थे? बैंक में कैश पहुँच सकते थे? आप एक दिन ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर कि आप भर जाओ 2000 से 4000 रुपये निकाल सकते हैं, एंड जब बैंक के लाइन्स में लोग घंटों खड़े होते हैं तो उन्हें क्या पता चलता है कि एक वीक के अंदर एक आधार कार्ड पर से 4000 रुपीज का ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। ये कहाँ तक सही है? न्यूज़ को सही तरीके से पहुँचाना हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सबसे बड़ा सोल्यूशन। कैशेज ATMs में होने चाहिए, आप बैंक एट द लास्ट मोमेंट नहीं खुलवा सकते हो। रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल्स वापस से ज्वाइन करें तो आप काउंटर्स तो खुलवा सकते हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। एक लाइन में जहाँ 100 लोग लगे हुए हैं, अगर आप काउंटर खुलवाएंगे तो 50 लोग लगेंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कैश और कन्वीनियंस है। थैंक यू।